अगला 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ साइन ए बराबर 3/4 तो कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए का वैल्यू हमको दिया है 3/4, हमको निकालना है कॉस ए और टेन ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बना लेते हैं 90 डिग्री वाला, एक ट्राइंगल का हम फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, ठीक। अब यहाँ साइन ए दिया है, साइन ए क्या है दिया है, तो यहाँ पर देखिए ये ए वाला एंगल हो गया और ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री जहाँ होता है उसके सामने का साइड होता है हाइपोटेनस और ये सबसे बड़ा होता है, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। और यहाँ साइन ए चूँकि क्वेश्चन में दिया है तो साइन ए इसके सामने का जो है सो साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बच रहा है वो हमारा बेस हो जाएगा। अब साइन ए दिया है 3/4, इसका मतलब है परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया और बेस हमारा कितना हो गया 4, सॉरी हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा 4, हाइपोटेनस ना 4 होगा क्योंकि साइन थीटा क्या होता है हमारा, ये साइन ए बराबर 3/4 दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो पी का वैल्यू दिया है 3 और एच का वैल्यू दिया है 4, तो हम यहाँ पर रख दिए। अब इसी से हम निकालेंगे क्या कॉस ए और टेन ए, तो यहाँ से देयरफॉर कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए, कॉस ए का पहले हम फॉर्मूला रख देते हैं, अभी अभी हमने जो पढ़ा बेस बटे हाइपोटेनस, चूँकि ए है तो ए है यहाँ पर कुछ बदलेगा नहीं, ए ही पूछ रहा है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा पी और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस और ये हमारा बेस, तो कॉस ए हमारा बेस बटे हाइपोटेनस, तो यहाँ बेस मालूम नहीं है तो पहले हमको बेस निकालना पड़ता ना, तो बेस क्या हो जाएगा, अप्लाई कीजिए फिर पाइथागोरस, यहाँ से पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो पी, पी हमको दिया है 3 प्लस बी निकालना है, ये ऐसा ही रहेगा, एच हमको दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ये 9 हो जाएगा और ये बी स्क्वायर और ये 16 हो जाएगा, बी स्क्वायर और ये इधर जाएगा 16, प्लस में था माइनस हो गया तो कितना बचेगा, यहाँ से 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7, तो देयरफॉर बी हमको कितना हो जाएगा √7, ये बी का वैल्यू आ गया तो बी का वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे √7। अब हम निकालेंगे कॉस ए, बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस हमारा है √7, बेस का मतलब क्या है, यहाँ ए पूछ रहा है तो बेस हमारा ये हो जाएगा ए बी बटे हाइपोटेनस ए सी। अब यहाँ से ए बी का वैल्यू है √7 और ए सी हमारा है 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है टेन ए, चूँकि एंगल सेम है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, सब कुछ वही रहेगा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी, बेस क्या हो जाएगा ए बी, तो बी सी, बी सी हो जाएगा हमारा 3 और फिर ए बी हो जाएगा हमारा √7, यही आंसर हो जाएगा। अगला 4th नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या बोल रहा है, गिवन 15 cot A = 8, मतलब 15 cot A = 8, ये हमको क्वेश्चन में दिया है तो हमको निकालना क्या है साइन ए और सेक ए, सेम क्वेश्चन है, दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, एक फिगर बनाएंगे ट्राइंगल का, मान लेते हैं ये ए है ये बी है और ये सी है, और ये हमारा 90 डिग्री हो गया
अब यहाँ पर हम दिखा देते हैं 90 डिग्री है तो इसके सामने का साइड हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस माने कर्ण, और ये फिलहाल अभी हमारा ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, चूँकि यहाँ कॉट ए है तो ये एंगल लेंगे हम, इसके अनुसार भी ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बच गया तो बेस हो गया। तो जो क्वेश्चन में पहले दिया है उसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे गिवन डेटा, क्या हमको डाटा दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से हमको निकल जाएगा cot a बराबर 8/15, तो 8/15 इसका मतलब क्या हो गया cot a, cot a का क्या फॉर्मूला होता है बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, इसका मतलब है आधार हमारा कितना हो गया 8, लंब कितना हो जाएगा 15, 15 हो गया। इस बार हमको आधार दिया है और लंब दिया है और एच निकालना है, तो एच कैसे निकालेंगे फिर वही काम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, तो लंब हमको दिया है 15 और ये आधार कितना दिया 8, बिल्कुल आसान, यहाँ पर h नहीं दिया है, h हमको निकालना है, इसको ऐसा ही लिख देंगे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा और ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा h स्क्वायर। अब दोनों को ऐड कीजिए कितना होगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 और ये भी हो जाएगा ये हो जाएगा 289, तो देयर फॉर एच एच बराबर क्या हो जाएगा 289 रूट अंडर हो जाएगा, तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17 हो जाएगा, तो यहाँ से हमको एच मिल गया 17 सेंटीमीटर, कुछ यूनिट नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं 17 हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे इसको ये 17 आ गया। अब हमको निकालना है साइन ए, तो यहाँ पर आराम से हम साइन ए लिख देंगे और इसका पहले फॉर्मूला हम लिख देंगे जो हम याद किए हैं साइन थीटा का जो फॉर्मूला है उसको हम लिख देंगे परपेंडिकुलर बटे बेस सॉरी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। अब यहाँ पर चूंकि एंगल ए दिया है सब यहाँ वैल्यू लिख दिए हैं, अब इसके अनुसार चलेंगे, यहाँ ए दिया है तो यहाँ कलम रखेंगे और यहाँ से हम इसके सामने जो साइड होगा उसको हम पी, पी दिया है कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो बच रहा है वो हमारा बी हो गया, तो पी का वैल्यू यहाँ 15 रख देंगे। उससे पहले हम एक बार इसको लिख देते हैं, पी हमारा बी सी है और एच हमारा क्या है ए सी, पी बी सी हो गया हमारा 15 और ए सी 17, तो यही हमारा आंसर हो गया साइन ए का। फिर सेक ए का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला लिखेंगे, सेक किसका उल्टा है कॉस का, कॉस का फॉर्मूला हमको मालूम है बेस बटे हाइपोटेनस, तो इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बटे बेस हो जाएगा, चूँकि कॉस का होता है ना कॉस ए बराबर हम पढ़े हैं बेस बटे हाइपोटेनस, तो इसीलिए इसका उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा हाइपोटेनस बटे बेस, तो यही यहाँ पर लिख दिए हैं एच, तो एच हमारा ए सी, अब बेस हमारा हो जाएगा ए बी, अब ए सी हमको दिया है 17 और ए बी हमको दिया है कितना 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना आसान था।